Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you lesson 10 about kitchen. And today I am going to explain you its notes. So are you ready? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see, first question is, what is used to remove puris or pakoras from the pan after frying them? किड्स, जब हम पूरी या पकोड़ा कुछ भी फ्राई करते हैं तो फ्राई हो जाने के बाद उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यस, अ फ्राइंग स्पून. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा टूल है जो किचन में यूज नहीं किया जाता है? लेट्स सी, ऑप्शन देखते हैं, यूटेंसिल, कुकर, बकेट, प्लेट. Yes, जो बकेट होती है उसका यूज हम नहीं करते हैं. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इम्प्लीमेंट इज यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं, राइट? तो उसके लिए कौन से इम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, आपको पता है ना किड्स? यस, सोलर कुकर. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रो? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कच्चा खाया जाता है? तो पोटैटो, राउंड गॉर्ड, क्यूकम्बर एंड बिटर गॉर्ड. तो यस, क्यूकम्बर को हम सैलेड में भी खाते हैं ना, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, क्यूकम्बर को हम कच्चा खा सकते हैं. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कुकिंग मेथड इज यूज टू मेक भाखरी? भाखरी बनाने के लिए हम कौन से कुकिंग मेथड का यूज करते हैं? तो किड्स, भाखरी के लिए हम रोस्टिंग मेथड का यूज करते हैं. उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको रोस्ट करते हैं. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फूड इज कुक्ड बाय स्टीमिंग? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा फूड हम स्टीम करके बनाते हैं? तो रोटी, खमन, पूरी, भाखरी. तो खमन को हम स्टीम करते हैं. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईटिंग टू मच फूड कुक्ड बाय विच मेथड कैन प्रूव हार्मफुल टू हेल्थ? कौन सी मेथड से बनाया हुआ खाना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है? तो किड्स, जो हम तेल में जो भी फ्राई करते हैं, वो फ्राई किया हुआ खाना जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट व्हाट डज फूड टेस्ट ब्लेंड? खाने का स्वाद किसके बगैर आता ही नहीं है? यस, आपको पता है ना, अगर खाने में थोड़ा सा भी सॉल्ट कम होता है तो उसका हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स सी, फर्स्ट फिल अप इज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन अ सोलर कुकर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश. सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए जो एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? यस, सोलर कुकर में एनर्जी हमें सन से मिलती है. सन की हीट की वजह से ही सोलर कुकर के अंदर खाना कुक होता है. नाउ लेट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश मेथड ऑफ कुकिंग इज यूज टू मेक ढोकलास. किड्स, ढोकला बनाने के लिए कौन सी कुकिंग मेथड का यूज किया जाता है, आपको पता है? स्टीमिंग मेथड का यूज किया जाता है. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी यूज डैश टू लाइट अ चूल्हा. चूल्हा जलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमें फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ना. यस, तो हमारा आंसर होगा फ्यूल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम डैश एंड हार्डन इन अ किल्न ब्रेक ऑन डैशिंग अगेंस्ट एनीथिंग. किड्स, एक ऐसा यूटेंसिल जिसे हम भट्टी में बनाते हैं और अगर वो कोई भी चीज से टकराता है तो वो टूट जाता है. तो वो यूटेंसिल किससे बनता है, आपको पता है? यस, वो यूटेंसिल मड से बनाया जाता है. मड के या क्ले के जो बने हुए बर्तन होते हैं वो किसी भी चीज से अगर टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मड. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड मेड इन अ कुकर इज कुक्ड बाय द डैश मेथड. कुकर में हम जो खाना बनाते हैं वो कौन सी मेथड से बनता है? यस, वो स्टीमिंग मेथड से बनता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मदर इज मेकिंग फेन्यूग्रीक पकोड़ास, मतलब मेथी ना गोटा. सो मदर इज यूजिंग द डैश मेथड ऑफ कुकिंग. किड्स, सोचो कि आपकी मम्मी जो है वो फेन्यूग्रीक के
पकोड़े बना रही है, मतलब कि मेथी ना गोटा। तो आपकी मम्मी कौन सी कुकिंग मेथड का यूज कर रही है? यस, वो पकोड़े को फ्राई तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फ्राइंग। ओके, नाउ किड्स लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फूड इज कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर। कोई भी खाना अगर आपको जल्दी से बनाना है तो आप उसे प्रेशर कुकर में कुक कर सकते हो, तो ये सेंटेंस ट्रू है। सेकेंड इज कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। चूल्हे में हम जो खाना बनाते हैं वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। नो, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि चूल्हे में बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। लेट्स सी नेक्स्ट इज वी यूज अ राउंड पॉट फॉर मेकिंग टी और कॉफ़ी। हम टी और कॉफ़ी बनाने के लिए एक राउंड पॉट का यूज़ करते हैं, नहीं हम घड़े में थोड़ी टी और कॉफ़ी बनाते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन ईट कैरट्स टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स रो। हम कैरट टोमेटो और क्यूकम्बर्स को कच्चा ही खा सकते हैं। रो का मतलब होता है कच्चा, तो ये सेंटेंस ट्रू, क्योंकि हम सैलेड में भी खाते हैं ना टोमेटो क्यूकम्बर और कैरेट को कच्चा ही, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट। रोशन मेक्स डोकलास, ही विल यूज द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग। रोशन जो है वो डोकला बना रही है, तो वो रोस्टिंग मेथड का यूज कर रही है, तो ऐसा होता है किड्स? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि डोकला बनाने के लिए स्टीमिंग मेथड का यूज किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट। फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर विद द हीट ऑफ द सन। सोलर कुकर में सन की हीट का यूज करके खाना बनाया जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट इज लेमनेड इज मेड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर। लेमनेड हम कैसे बनाएंगे किड्स? कि पानी के अंदर शुगर डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे, फिर उसमें थोड़ा लेमन जूस डालेंगे, तो हमारा जो लेमनेड है वो रेडी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ किड्स लेट्स सी मैच द लिस्ट। फर्स्ट इज फ्राइंग। तो फ्राई करके हम कौन सी चीज बनाते हैं? हम पूरी को फ्राई करके बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, पूरी। लेट्स सी नेक्स्ट है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मेथड से हम क्या बनाते हैं? मैंने आपको अभी बताया एमसीक्यू में भी कि रोस्टिंग से हम भाखरी बनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। लेट्स सी थर्ड इज स्टीमिंग। तो स्टीमिंग मेथड से क्या बनता है? यस, खमन ढोकला। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, ढोकला। लेट्स सी द नेक्स्ट, शैलो फ्राइंग। किड्स, शैलो फ्राइंग क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि जिसमें थोड़ा कम ऑयल का यूज करके हम कोई भी चीज को बनाते हैं। तो पराठा जो होता है वो हम शैलो फ्राई करके बनाते हैं, उसमें हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करते हैं। किड्स, पूरियां फ्राई करने में हम जितना ऑयल यूज करते हैं उतना ऑयल शैलो फ्राई में यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एफ। लेट्स सी नेक्स्ट है रोस्टिंग ऑन फायर, फायर के ऊपर रोस्ट करना। तो किड्स यस, कॉर्न ऑन द कॉब, जो मकई भुट्टा होता है उसे हम फायर के ऊपर क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं। आपने खाया है ना किड्स? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नाउ किड्स, हमारा जो क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 है वो मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर दिया था, तो लेट्स सी क्वेश्चन 8। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। किड्स, आपको पता है पहले के समय में कौन से टाइप के बर्तन यूज किए जाते थे और वो किससे बनते थे? लेट्स सी द आंसर। इन द ओल्डन डेज यूटेंसिल्स यूज्ड टू बी बिगर एंड हैवियर देन दोस सीन टुडे। किड्स, जो पहले के समय में बर्तन बनाए जाते थे वो बहुत ही बड़े होते थे और वजन में भी बहुत ही भारी होते थे। यूटेंसिल्स ऑफ एंशियंट टाइम्स यूज्ड टू बी मेड ऑफ कॉपर, ब्रास, आयरन, मड एंड ब्रोंज। तो ये जो बर्तन बनते थे वो कॉपर, ब्रास, आयरन, मड और ब्रोंज के बनाए जाते थे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट है व्हाट कैन बी मेड इन अ कुकर। हम कुकर में क्या क्या बना सकते हैं? तो हम खिचड़ी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सीज, कैरेट, हलवा एट्सेट्रा कैन बी मेड इन अ कुकर, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन ऑफ योर हाउस।
किड्स, यहाँ पर हमें 10 यूटेंसिल्स के नेम्स लिखने हैं, मतलब बर्तन के नेम लिखने हैं जो हमारे घर के किचन में यूज किए जाते हो। तो लेट्स सी, जैसे कि लार्ज बोल्स, बोल्स, फिर फ्राइंग लैडल, कुकर, फ्राइंग पैन, प्लेट फॉर मिक्सिंग डो, मतलब आटा गूंदने के लिए जो थाली का यूज करते हैं ना हम, वो, फिर स्पैचुला, स्पून, राइस लैडल, पोट, नाइफ, फॉग, ये सारे यूटेंसिल्स का हमारे घर के किचन में यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कॉन्डिमेंट्स, मतलब मसालास आर यूज्ड इन कुकिंग। कुकिंग में कौन से मसाले का यूज किया जाता है, आपको पता है किड्स? लेट्स सी द आंसर। कॉन्डिमेंट्स मसालास लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, फेन्यूग्रीक सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, एसाफेटिडा पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर सीड्स पाउडर एट्सेट्रा आर यूज्ड इन कुकिंग। तो किड्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, फिर हल्दी का पाउडर है, फिर जो फेन्यूग्रिक मतलब मेथी के सीड्स होते हैं वो, फिर राई के सीड्स होते हैं जिसे हम मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, फिर हिंग का पाउडर, क्यूमिन और कोरिएंडर सीड्स मतलब कि जो धनिया और जीरा पाउडर होता है वो। तो किड्स, ये सारे मसाले जो है वो हम सारे मसाले कुकिंग में यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन योर हाउस। किड्स, हमारे घर में ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो खाने से पहले कुक किया जाता है? लेट्स सी द आंसर। वेरियस फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन माय हाउस। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फिर पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं जिसे हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो वो सारे फूड आइटम्स को कुक किया जाता है हमारे घरों में, राइट? लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, बर्तन किससे बनते हैं? तो यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मड और क्ले से बनाए जाते हैं। Now kids, let's see brief question answers. Let's see, first question is which dishes does your mother make from raw ingredients without cooking them? Kids, आपके मम्मी कौन सी ऐसी dishes बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ ingredients डालते हैं, जिसे cook करने की ज़रूरत नहीं होती है? Let's see the answer. My mother makes the following dishes from raw ingredients without cooking them, like lemonade, salad of raw mangoes, onion and jaggery, salad of cucumbers, tomato and beet, fit chutney of garlic and red chilies, chutney of coriander leaves and green chilies, fit lassi, mango puree, raita, curds. तो ये सारे dishes जो है वो हम सिर्फ उसमें ingredients डाल के ही बना सकते हैं, उसे हमें cook करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, right? Let's see the next question. What are the benefits of using a solar cooker? Kids, solar cooker का use अगर हम करते हैं तो उसके benefits क्या होते हैं? Let's see. The benefits of using a solar cooker are as, since energy is obtained directly from the sun, fuel is saved. क्योंकि ये जो solar cooker है उसमें sun की energy का use किया जाता है, तो हमारा जो fuel है वो बच जाएगा, right? मतलब कि अगर आप चूल्हे में खाना बनाते हो तो आपका जो केरोसिन है तो वो बच जाएगा, अगर आप गैस स्टोव पे खाना बनाते हो तो आपका जो गैस है वो बच जाएगा, राइट? फूड कुक्ड एंड स्टीम विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। किड्स, सोलर कुकर में जो हम स्टीम करके खाना बनाते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पोषण होता है और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है। फूड कुक्ड रिटेन्स इज ओरिजिनल टेस्ट एंड क्वालिटीज़, और ये जो खाना सोलर कुकर में बनता है तो उसका जो स्वाद होता है वो बरकरार रहता है। फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और सोलर कुकर में बनाया हुआ खाना जो है वो हमारे लिए डाइजेस्ट करने में भी बहुत ही ईजी रहता है। तो अगर हम सोलर कुकर का यूज़ करते हैं तो ये सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ किड्स, जो क्वेश्चन 10 है और क्वेश्चन 11 है वो भी मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, राइट? नाउ किड्स, हियर अवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। ये वर्क आपको आपकी PDF में से आपकी वर्कबुक में कम्प्लीट कर देना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।